चुनाव कार्यालय के इस उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी माधव मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मंच पर आसीन जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार जी, हमारी नेत्री प्रतिमा भार्गव जी, हंडौतिया जी, पचौरी जी, अलौकिक उपाध्याय पंडित जी और यहाँ की पार्षद प्रत्याशी, हम सब ने जिनको पार्षद हेतु चुना है, ऐसी पूजा जी, मित्रों, तीन सरकारें होती है। केंद्र की सरकार जो दिल्ली से निर्णय लेती है जनता की समस्याओं के लिए, उसका आप प्रतिनिधि चुनते हैं सांसद के रूप में, जो एसपी सिंह बघेल साहब आज हमारा इसमें नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी लखनऊ की सरकार होती है, जिसे प्रदेश सरकार बोलते हैं, उसका भी प्रतिनिधि आप चुनते हैं। विधायक के रूप में आपने मुझे तीन बार चुना, ये लखनऊ की सरकार में आपकी आवाज बुलंद करते हैं। तीसरी लोकल सरकार होती है नगर निगम की, जिनके दो प्रतिनिधि आप चुनते हैं, एक महापौर के रूप में मेयर और दूसरा पार्षद। ये दोनों आपकी लोकल समस्याओं के लिए संघर्षरत रहते हैं, आपकी आवाज को नगर निगम में सरकार लोकल सरकार बनती है वहां पर उठाते हैं, पूरा कराते हैं। वो गाड़ी पे खड़े तो मित्रों, वो नगर निगम की सरकार चुनने का ये चुनाव है, कुछ विलंब से हुआ जो कि फरवरी में होना था, अब मई में हो रहा है, अप्रैल मई की गर्मी है इसमें हो रहा है। तो कभी भी जो पार्टी वोट मांगने जाती है, जो प्रत्याशी वोट मांगने जाता है, तो अपने कृतित्व तो व्यक्तित्व के आधार पर जाता है कि उसने अब तक क्या किया है या उसकी पार्टी ने क्या किया है। आप लोगों से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, जो सवाल आप लोगों से कर सकते हैं उस संभावित सवालों के कुछ जवाब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आगे आप भी मुझसे ज्यादा जोरदारी से उनको जवाब दे सके। कोई भी पार्टी का नेतृत्व कैसा है, अगर नेता गलत होंगे, नेतृत्व गलत होगा, तो पार्टी ठीक से काम नहीं करेगी। उसके कार्यकलाप कैसे हैं, उसकी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम कैसे हैं, एक कसौटी ये होगी। और दूसरा, तीसरी कसौटी कि उनका दिया हुआ प्रत्याशी कैसा है। तो मित्रों, मुझे फख्र है इस बात का कि मेरा नेता मोदी है, मेरा नेता योगी है। कोई किसी और पार्टी पे ऐसा नेता, मेरा प्रधानमंत्री दुनिया का प्रधानमंत्री बन चुका है। आज मोदी बोलता है दुनिया सुनती है, मोदी कहता है दुनिया मानती है, ऐसा है। अरे योगी, माफियाओं ने घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, कहा जाके जेलों में शरण ले ली, और नहीं शरण ली, कानून हाथ में लिया तो गाड़ियां पलट गई। जिनके खौफ से जनता खौफजदा थी, जिनके आतंक से लोग पीड़ित थे, आज वो खौफजदा है योगी राज्य से। ये
हैं। आपने कुछ दिनों पहले अब उत्तर प्रदेश की जेल नहीं, दूसरे राज्यों की जेल में भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में गए थे और ये बहाना लगा के कि उनकी तबीयत खराब है, व्हीलचेयर पर चलते हैं, इसलिए यहीं पर रखा जाए। लेकिन जब वहां से छुटकारा दिया गया उनको और उत्तर प्रदेश में आए, व्हीलचेयर पर चलकर गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी से उतरे तो गाड़ी के दरवाजे से जेल के दरवाजे में तोड़ के अंदर घुसे थे, कहीं फर्क ना जाए। ये खौफ है मेरे नेता का और उनके राज्य का, कि कानून और व्यवस्था का राज्य है। तो आज अपराधी खौफ ज्यादा है, जनता खौफ ज्यादा नहीं है। और अभी आज का ये अखबार जिन्होंने पढ़ा होगा कि जिस अतीक ने गरीबों की जमीनों पर जायदादों पर कब्जा करके अपने महल अट्टालिका बनाए थे, जो बोल नहीं पाते थे सपा बसपा के शासन में क्योंकि उनका संरक्षण था अतीक को, वो आज एप्लीकेशन दे रहे हैं डीएम को कि ये हमारी जमीन थी, इसके इसने पैसे नहीं दिए थे, कब्जा कर लिया था, ये हमारी जमीन जायदाद थी, इस पर जबरदस्ती रुका लिखवा लिया था। आज वो सब खौफ से बेखौफ होकर इस काम को कर रहे हैं। यह दिया है मेरे नेता योगी ने उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी ने तो दिया है इस देश को, तो काबिले तारीफ है। एक ही उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि भारत और भारतवासियों के स्वाभिमान और सम्मान को कितना ऊंचा उठाया है मोदी ने विदेशियों की निगाह में। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने मुझको पेरिस और नीदरलैंड भेजा था वहां से इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में आइए, व्यापार के दरवाजे खोले हैं हमने, उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करना है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है, उनको आमंत्रित करने गए थे। आज से 20 साल पहले मेरे जीजा श्री जो इंदौर यूनिवर्सिटी में उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स थे, वह भी गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या पेरिस जा रहे हो तुम? मैंने कहा सरकार भेज रही है। अरे बोले कहां, कुछ नहीं करने वाले, वो तो बड़े हिकारत से देखते हैं भारतवासी। मैंने कहा जहां सरकार भेजेगी वहां जाएंगे, फिर हमें उनसे क्या काम, जनता से हमें तो जिन बिजनेसमैन से काम है। बोले वह भी कायदे से नहीं बात करेंगे। मैंने कहा चलिए देखते हैं। गए, मीटिंग्स हुई, बहुत जोरदार, बहुत उत्साह में, यूपी में नए कलेवर में काम करने को तैयार थे वो लोग, मोदी राज में काम करने को तैयार थे। लेकिन एक घटना ऐसी सुनाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ। मैं फिर शाम को जब मीटिंग्स खत्म हो गई तो पेरिस का इत्र मशहूर है परफ्यूम, वो खरीदने वहां की सबसे प्रसिद्ध दुकान पे गया। वहां के लोग, ये उनकी अनुकरणीय बात है, हमको अनुकरण करना चाहिए, कि फ्रेंच में बात करते हैं। जब तक कि सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता हो तब तक इंग्लिश में बात नहीं करते, पहले फ्रेंच बोलेंगे, फ्रेंच नहीं जानता होगा तब इंग्लिश बोलेंगे। तो हम पहुंचे तो वो जो वहां पे लेडी सेल्स गर्ल थी उसने फ्रेंच में मुझसे कुछ कहा। तो मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। वो फ्रॉम वेयर यू आर? मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। मेरा सीना चुपचाप नीचे हो गया जब मैंने ये सुना, क्योंकि मुझे तो इंप्रेशन मेरे जीजा ने कुछ और दिया था 20 साल पहले के हुक्मरानों का वो इंप्रेशन था, आज मोदी राज का ये इंप्रेशन है। क्योंकि हो फ्रॉम मोदी कंट्री वेलकम, ये दिया है मेरे नेता मोदी ने पूरे देशवासियों को, जो कभी पहले हिकारत से देखते थे आज वेलकम कर रहे हैं। ये सम्मान और स्वाभिमान का विषय दिया है योगी ने दिया। ऐसा मेरा नेतृत्व है, ऐसा मेरे नेताओं का व्यक्तित्व है, कृतित्व है। इसलिए हम नेता, जो हमारे नेता हैं उससे समृद्ध हैं,
कोई दूसरे दलों पे ऐसा नेता हो तो बताओ मुझको, किसी पे मोदी है, किसी पे योगी है? नहीं, इसलिए हम नेता से मजबूर हैं। अब कार्यकलापों पे आइए कि क्या हमारी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, जनता के हित के कार्य। सुबह से बोलना शुरू करेंगे, दो दिन बीत जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, इतने काम मोदी और योगी ने किए हैं। चंद उदाहरण बताना चाहूंगा बस आपको, जिससे आपको अंदाज होगा, जानते आप सब हैं कौन कौन से काम है, लेकिन बस मैं याद दिलाना चाहता हूं। यहां महिलाएं भी बैठी हैं, इसी आगरा में रेलवे पटरियों के किनारे जब कभी लोग आते थे रेल से, तो न जाने कितने लोगों को शौच करते हुए देखते थे। और महिलाएं तो बेचारी मजबूर होकर या तो पौ फटने से पहले शौच आदि से निवृत्त होती थी या अंधेर होने के बाद जाती थी। बीच में यदि उनको इस बात का एहसास हो तो निवृत्त नहीं हो पाती थी, कितने कष्ट में रहती थी। इस दर्द को किसी ने क्यों नहीं समझा अब तक? न जाने कितने हुक्मरान आए, कांग्रेस के आए, सपा के आए, बसपा के आए, इस दर्द को क्यों नहीं समझा किसी ने? हमारे नेता मोदी ने समझा, योगी जी ने समझा, मोहल्ले मोहल्ले शौचालय दिए, घर घर शौचालय दिए, उन्हें इज्जत घर का नाम दिया। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति जिस पर वंचित था, उसको कुछ दिया, उसके लिए कुछ किया, यह किया है हमारे पार्टी की सरकार। अभी कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में चिंता मुझको भी हुई थी कैसे होगा ये, क्योंकि जो रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं, जो गरीब गुरबा है वो तो कैसे उनके जीवन यापन होगा। लेकिन मोदी राज्य में कोई भूखा सोया नहीं, यह दिया उसने मैसेज। ऐसी परिस्थिति में भी कोई भूखा सोया नहीं, घर घर हमारे कार्यकर्ताओं ने राशन की किट बांटे, जिसमें परशुराम जी और ये मंच पर बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता है, ये मेरे पास आते थे कि फला मोहल्ले में जरूरत है, हम बांटते थे, भिजवाते थे, हमारे कार्यकर्ता बांटते थे। सारे ये बैठे हैं अपने वकील साहब, इन्होंने भी बांटे अपने मोहल्ले में, इनके यहाँ से भी फोन आए थे मेरे पास। पूजा जी ने भी बंटवाए, तो ये तड़प हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में क्यों आई? जहां पर अभाव हो रहा है वहां पर कुछ पहुंचना चाहिए, और सरकार तो आज तक फ्री राशन बांट रही है, यह दिया है हमारे लिए। हर राशन कार्ड धारक को मुफ्त में राशन मिल रहा है, महीने में दो बार, कोरोना काल के बाद अब भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना की तलवार न जाने कब फिर लटक जाए, उसे रोका भी है। जितनी जल्दी कोरोना हिंदुस्तान के अंदर रुका, विश्व में और कहीं नहीं रुका। आज चीन में आज भी भयंकर रूप से, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के चमत्कार से, योगी जी की मेहनत से, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से कोरोना खत्म हुआ है। ये हमारे काम है, इसलिए हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। जनधन योजना, इससे पहले जो लोग कभी बैंक के दरवाजे पे चढ़े नहीं थे, सोचते थे बड़े आदमियों का काम है बैंक में जाना, हिचकते थे, कॉम्प्लेक्स खाते थे बैंक में जाने से, हर व्यक्ति जनधन खाते में खाता खोले, चाहे उस पर पैसा है या नहीं है, जीरो अकाउंट में खाता खोले, 100 रुपए पे खोले, 200 रुपए खोले, 300 रुपए पे खोले। मोदी जी ने योजना दी, लोगों ने खोले, क्या फायदा हुआ? लोग कहेंगे साहब हमने खाता तो खोल लिया, फायदा क्या हुआ? जो सरकारी अनुदान यानी सरकारी सहायता आती है किसी परिस्थितियों में,
कहीं पे बाढ़ आ गई सरकारी सहायता देनी है वहां पर, कहीं पे सूखा पड़ गया सरकारी सहायता भिजवानी है वहां पर, कहीं पे अकाल हो गया सरकारी सहायता भिजवानी है वहां पर। पहले बिचौलिए खाते थे, अगर 10,000 रुपए पहुंचे देने के लिए तो 5,000 तो बिचौलियों ने खाया, 5,000 तक पहुंचता। अब सीधे खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया खा नहीं सकता। यह फायदा हुआ आम जनता को। ये सब बातें औरों के दिमाग में क्यों नहीं आई जो पहले से थे, क्योंकि वो भी उस खाने पीने में हिस्सेदार हुआ करते। मेरा नेता कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक और लाभ बता दूं आपको, आप सबको जानकारी लेना चाहिए, तो शायद कईयों के ना हो, कि यदि वो खाता आपका रेगुलराइज चल रहा है, रेगुलराइज का मतलब भले ही 100 रुपए आप उसमें हर महीने डाल रहे हो, 100 रुपए निकाल रहे हो, 100 रुपए डाल रहे हैं, 100 रुपए निकाल रहे हैं, रेगुलर चल रहा है, तो क्या लाभ होगा। हमारे नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के बगल में शंकर कॉलोनी और एक बाल्मीक समाज की कॉलोनी भी है, वहां की एक महिला हमारे पास आई, जब मैं मंत्री नहीं था विधायक था, बोली विधायक जी मुझे 5,000-6,000 रुपए किसी साहूकार से जो ब्याज पे पैसा देते हैं उसे उधार दिलवा दीजिए। मैंने कहा क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसी। बोले मेरी बच्ची बीमार है, 10,000-12,000 रुपए खर्च लगेंगे, डॉक्टर ने कहा है तब बच पाएगी, मेरे पास इतना नहीं है, 5,000-6,000 कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर साहूकारों के चक्कर में क्यों पड़ती हो आप, बोले फिर कौन देगा। मैंने कहा जनधन योजना में आपने खाता खोला है, बोले हाँ खोला है। मैंने कहा 5,000 रुपए बैंक देगी आप, बोले उसमें तो 300 रुपए है मात्र। मैंने कहा 300 रुपए हो बैंक देगी आपको यदि रेगुलर चल रहा है, बोले हाँ वो तो चल रहा है। वो गई 5,000 रुपए का चेक दिया, बैंक में उनके अकाउंट में 5,000 नहीं थे लेकिन बैंक ने उन्हें 5,000 रुपए दिए। आज उनकी बच्ची उनके घर के आंगन में किलकारी मारती है, उसके अच्छे दिन आए कि नहीं आए पूछना चाहता हूं आपसे। ये दिया है, अगर वो 5,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाती तो बच्ची से हाथ धोती और साहूकार के चक्कर में अगर उधार लेती तो साहूकार के शोषण का शिकार होती। यह इससे बचाया है मोदी ने आम जनता को, गरीब को। ये सब बातें और हुक्मरानों के दिमाग में क्यों नहीं आई इससे पहले। यह है हमारे नेताओं का काम, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का काम। तो नेता हमारे सर्वोत्तम, काम हमारे उत्तम। जैसे कितने गिनाने लगेंगे तो सिलसिला लंबा है, हरि अनंत हर कथा अनंता चलती जाएगी कहानी। अब आता हूं प्रत्याशी पर। हमारा प्रत्याशी पूजा जी है। जब ये कोरोना काल आया था तब इन्होंने परशुराम जी से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहा कि गरीबों को करवाइए, तो हम लोगों ने जो कुछ बन सका वो किया। ये दर्द गरीबों के लिए इन्हीं के दिमाग में क्यों आया, इन्हीं के दिल में क्यों आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार थे। और कोई प्रत्याशी होंगे आपके सामने, जरा पूछिए उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, उनके नेताओं ने क्या किया है देश के लिए, उनके नेताओं ने कौन सा काम किया जनता के लिए। मेरे नेताओं ने काम किया है, मेरी पार्टी ने काम किया है, मेरा प्रत्याशी भी उत्तम है, तो वोट पाने का हक हम रखते हैं। इसलिए साथियों बंधुओं, चुनाव जिस दिन होगा उस दिन भी बहुत गर्मी होगी, तो अहद कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि पहले मतदान बाद में जलपान। खुद का वोट डालिए, परिवार का डलवाइए, पड़ोसी का डलवाइए, रिश्तेदार का डलवाइए। 10-11 बजे से पहले वोट डाल दीजिए, कोई ये ना कहे अरे गर्मी बहुत है अब कैसे जाए, अलसाए नहीं कोई। और दो मशीनें होंगी, एक मशीन महापौर के लिए, मेयर के लिए, उस पर भी कमल का निशान, एक मशीन पार्षद के लिए, उस पर भी कमल का निशान। दोनों कमल के निशान पर मोहर लगाइए, बटन दबाइए। और नगर निगम में भी
भाजपा की सरकार बनाई है, अभी डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार होगी तो और अच्छी गति पकड़ेगा विकास, आपके काम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।